हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। जो हमारा इलेक्टिव पेपर होता है, इसका सिलेबस हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है, वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का या आर्ट्स का। तो अल्टीमेटली ये जो वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल है जो अपने पीजी थर्ड सेमेस्टर में इलेक्टिव का पेपर साइकोलॉजी सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसको देखने से पहले हम लोग साइकोलॉजी के एग्जाम स्ट्रक्चर को समझते हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है ये अदर सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा अलग होता है। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर हम लोग सिलेबस को देखेंगे। जो हमारा ये पेपर है साइकोलॉजी का, ये भी पेपर टोटल हमारा 100 मार्क्स का ही होता है, एज यूजुअल अदर पेपर, दूसरे पेपर की तरह ये भी हमारा 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। यहाँ पर जो ब्रेक होता है हमारा ठीक उसी तरह से इंटरनल 30 मार्क्स का और एक्सटर्नल 70 मार्क्स का, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल पेपर अब यहाँ पे होता है, एक्सटर्नल जो 70 मार्क्स का होता है, ये दो पार्ट में बढ़ जाता है। एक्सटर्नल एग्जाम यहाँ पे हम लोग को दो देना पड़ेगा। साइकोलॉजी के केस में, साइकोलॉजी के पेपर में हम लोग को एक्सटर्नल एग्जाम दो देना होता है। एक हमारा होता है थ्योरी का पेपर जो 35 मार्क्स का होगा, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर जो होगा 35 मार्क्स का, दोनों 35 35 का। टोटल इस तरह से हमारा एक्सटर्नल 70 मार्क्स का हो गया। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को एक्सटर्नल एग्जाम है ये दो बार देना होता है, एक बार थ्योरी और दूसरे बार प्रैक्टिकल। जब हमारा रूटीन आता है थर्ड सेमेस्टर का तो उसमें इसका दोनों का डेट दिया हुआ होता है, थ्योरी कब होने वाला है और प्रैक्टिकल कब होने वाला है। ये जो अभी क्वेश्चन पेपर हम लोग कवर कर रहे हैं ये हमारा थ्योरी एक्सटर्नल जो थ्योरी पेपर हुआ है 35 मार्क्स का, उसका क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पे उसी तरह से सब लिखा हुआ है, फुल मार्क्स जो हमारा ये 35 मार्क्स का, यहाँ पे ये 30 आवर्स का, थ्री आवर्स का ये हो गया हमारा पेपर। यहाँ पर भी उसी तरह से अदर सब्जेक्ट की तरह ही हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। बस डिफरेंस ये है, वहाँ पे हमारा 14 मार्क्स इसका होता है, यहाँ पे 5 × 7 मार्क्स हो जाएगा, मतलब टोटल 35 मार्क्स का। अब ये यहाँ पे 5 क्वेश्चन में फिर उसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये कंपलसरी होता है, और बाकी में से हम लोग को 4 क्वेश्चन करना होता है। तो बस वही है, लगभग सिमिलर टाइप का ही है, बस यही डिफरेंस है। तो अब हम लोग देख लेते हैं थ्योरी जो हमारा है एक्सटर्नल एग्जाम का, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है 2020-22 सेशंस के स्टूडेंट का। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी होता है, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ये दूसरे सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर भी वही चीज़ है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है ये 7 मार्क्स का, इसमें 1-1 मार्क्स का 7 क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले बोल रहा है गोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी का क्या गोल है ये बताना है। एक्सरसाइज और हेल्थ में टर्म को यहाँ पे लिखना था दोनों के बारे में। उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होता है ये बताना है। डायबिटीज मेलिटियस क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, अल्कोहलिज्म क्या होता है, हेल्थ इज नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज, इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। ये सब कुछ हम लोग को यहाँ पे लिखना था। सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है, डिस्कस द रोल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी इन हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ में हेल्थ साइकोलॉजी का क्या रोल है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्या कंसेप्ट है, क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक्सप्लेन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ COVID-19। ये COVID-19 के टाइम में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया था, रिपीट किया गया था, साइन और सिम्टम्स क्या होता था COVID-19 का ये बताना था। डिस्क्राइब द बिहेवियर रिस्क फैक्टर ऑफ ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन का बिहेवियर रिस्क क्या था, इस चीज़ को यहाँ पे लिखना था। डिस्क्राइब द मेजर कॉजेज ऑफ हार्ट डिजीज इन अर्ली एज, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर कोपिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस का जो क्वेश्चन होता है ना जनरली बहुत ज़्यादा रिपीट होता है साइकोलॉजी वाले पेपर में। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था, डिस्क्राइब द डिफरेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी क्वेश्चन जनरली आता है। उसके बाद हाउ विल यू प्रोमोट मेंटल हेल्थ एज अ साइकोलॉजिस्ट डिस्कस, इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करना था। तो टोटल 9 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें से 5 हम लोग को आंसर करना है, बट यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन हम लोग आंसर करेंगे वो 7 मार्क्स इच का होगा, 7 × 5 मतलब 35 मार्क्स का ये पेपर हो गया। इसके बाद दूसरा पेपर जो हमारे पास है ये 2018-20 सेशन का है, यहाँ पर भी ये फुल मार्क्स 35 वही थ्योरी वाला पेपर है, थ्योरी एक्सटर्नल का पेपर।
सबसे पहला क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी जो होता है इसमें पूछा गया था, डिफाइन हेल्थ साइकोलॉजी, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेस, डिस्कस अ स्पिरिचुअल मॉडल ऑफ हेल्थ, उसके बाद नीचे था डिस्कस साइकोलॉजी कल्चर मॉडल ऑफ हेल्थ, डिस्कस एड्स, डिस्कस हार्ट डिजीज, डिस्कस मेंटल हेल्थ। तो ये कुछ क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर वन में। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था डिस्क्राइब माइंड बॉडी रिलेशनशिप, माइंड और बॉडी के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करना था। सो और एक्वेंटेंस विद ड्रग एडिक्शन, इस चीज को यहाँ पे बताना था। सो द स्ट्रेस मैनेज्ड, हाउ इज स्ट्रेस मैनेज्ड, इस चीज को यहाँ पे लिखना था। डिस्क्राइब कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, डिस्क्राइब बायोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डिस्कस साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, सेम बायोलॉजिकल मॉडल ऊपर पूछा गया था, नीचे साइकोलॉजिकल मॉडल पूछा गया था हेल्थ का। डिस्कस डायबिटीज मेलिटियस, डिस्कस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग मेंटल हेल्थ। तो ये कुछ क्वेश्चन था। जनरली यही सब क्वेश्चन एक्सटर्नल एग्जाम में रिपीट किया जाता है। तो ये हमारे पास टोटल अभी 18 क्वेश्चन का कलेक्शन हम लोग को मिल गया इस वीडियो में। तो बस यही था इस